दोस्तों, अगर आपके पास पुराने मॉडल की स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रा जो भी पुराने मतलब 4 गियर स्पीड इंजन है उसमें अगर गियर निकलने की प्रॉब्लम है, जैसे आपकी गाड़ी में अगर फर्स्ट गियर निकल जाता है, तो चलिए आपको मेक श्योर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में गियर निकलने की प्रॉब्लम है, तो सब अगर आपका 4 गियर स्पीड है उसमें गियर निकलते हैं और फर्स्ट गियर निकलता है, तो आपको कौन सा गियर चेंज करवाना है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि गियर बॉक्स होता किस टाइप से है। गियर बॉक्स कुछ इस तरह काम करता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए, ये होता है हमारा गियर बॉक्स और कुछ गियर होते हैं, और जब फर्स्ट गियर हमारा निकलता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है ये वाला गियर चेंज करना। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने की, जूम, यस। तो आप यहाँ देखेंगे किनारे से जो इसके लास्ट वाले किनारे होते हैं ये घिस गए। यहाँ पे आप देखिए, हो जा जूम, यस। तो यहाँ लास्ट वाले किनारे देखेंगे ये घिस जाते हैं, यहाँ से देखेंगे, और इसका इसको बोलते हैं स्लाइड गियर, इसको स्लाइड गियर बोलते हैं। और ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये डॉट घिस गए हैं इसके साइड पे, और पूरे गियर ये इसके गियर यहाँ से ख़राब नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह से कटते हैं यहाँ से, ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह से कटते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कटता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपका सबसे पहले तो ये गियर चेंज करने पड़ते हैं, और दूसरा इसको बोलते हैं ले साफ्ट, मेन साफ्ट होती है ये वाली जो ऊपर को जो क्लच में जाती है, और जो ले साफ्ट इसके यहाँ से ग्रुप कट जाते हैं। एक बार इसको भी दिखाते हैं नज़दीक से, ये देखिए आपको दिखेंगे इसके ग्रुप इधर और यहाँ से, दोनों साइड से कट जाते हैं। तो ये साफ चेंज करनी पड़ सकती है। अब इसका खर्चा कितना होता है, ये आपको 600-650 रुपये की मिल जाएगी, 400 रुपये के आसपास ये गियर मिल जाता है, और 150-200 रुपये के आसपास ये गियर मिल जाता है। तो एक बार अभी मैं आपको नया गियर दिखाता हूँ और फिर ये कैसे फिट होता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिट करता है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि इसको कैसे फिट किया जाता है गियर बॉक्स। अब देखिए, ये हमारे पास है नई साफ्ट और इसके ग्रुप बिल्कुल एकदम फिनिश है, और इसके यहाँ पर देख सकते हैं अभी कट चुके हैं, ठीक है। तो ये चेंज करना पड़ेगा, और ये स्लाइड गियर है, ये नया वाला स्लाइड गियर है, और ये पुराना वाला स्लाइड गियर है, तो इसको डालना पड़ेगा, और एक ये वाला गियर है। अब इसको कैसे डालते हैं, सबसे पहले आपको इस गियर को लेना है, और ये स्लिप है इसके अंदर इस तरह से लेते हैं, और ये बिल्कुल फ्री घूमता है, और इसको यहाँ पर गाड़ी में फिट कर देते हैं। ये आराम से फिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद ये हमारी ये साफ्ट है, इसके अंदर क्या करना है, हमने एक ये वाला छोटा गियर होता है इसको इधर से लगा देना है, और इसके बाद ये बुश का गियर होता है, बुश का स्लिप, इसको फिट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइट जाएगा, इसको मैं ठोक लेता हूँ एक बार। तो ये इस तरह से बुश और स्लिप इसकी ठुक चुकी है। इसके बाद इसमें दो गियर लगते हैं, और गियर एक बड़ा एक छोटा होता है, आपको क्या करना है, जो बड़ा छोटा गियर होता है उसे इधर की साइड डालना है इस तरह, ठीक है, और उसके बाद जो बड़ा गियर होता है उसको इस तरह डालना है। और इसके बाद ये स्लाइडर गियर होता है, इसको ऊपर से ऐसे रख के देख लें कि बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमारा चेंजर रहता है, इस चेंजर को उल्टा सुलटे का एक पहचान रहता है, इसके जो साइड के ये डॉट हैं ये नीचे की साइड रहेंगे, इसके अंदर ऐसे करके जाएंगे, और ये इस तरह से अंदर जाएगा ही नहीं, पूरा बैठेगा ही नहीं, देखिए
और ये जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स बैठेगा। इसके बाद इसको ऐसे रख देना है। और अब चलते हैं गाड़ी के पास में, उसको कैसे फिट करना है नज़दीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ग्रीस लगा लें बुश के पास, क्योंकि बुश के पास ऑयल या ग्रीस नहीं पहुँचता है। थोड़ा सा यहाँ पे को लगा लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद ये जो डॉट रहते हैं ये यहाँ पर इसके साथ रहेंगे अटैच, ऐसे करके फिट कर दें। इसके बाद इसको देखिए ऐसे लगाना है, और ये जो है इसके अंदर ये स्लाइड गियर जाएगा, ये ऐसा इसके अंदर जाएगा। और थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है यहाँ पर आपको, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लग जाता है। उस साइड से रोको इसको, गियर को घूम रही है, रोक के रखो, और ये बैठ गया अंदर को। और ये अंदर बैठ गया थोड़ा सा, अब रह गया इसके अंदर बैठना। इसके अंदर थोड़ा सा इसको बाहर कर लेते हैं, और ये बैठा अंदर को, और ऐसे दबाया और उसको थोड़ा सा हिलाया, जो अंदर की जगह में है अपनी जगह में बैठ जाएगा। अभी भी नहीं बैठा है। ये अब जाके ये पूरा बैठ गया है, ये देखिए। और ये देखिए बिल्कुल चाल आल जो प्ले होती है बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं, और फिर नहीं पहले यहाँ ग्रीस डाल देते हैं। इसके अंदर पूरे में ग्रीस लगना ज़रूरी है, और फिर ऑयल जाएगा। पहले ग्रीस डाल लेते हैं। ग्रीस इस तरीके से आधा केजी इसके अंदर जाता है, ग्रीस आधा किलो ग्रीस इसके अंदर डाल दें, और थोड़ा सा सीएल डाल दें इस तरीके से। ये डाल दिए देखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा लें, पैकिंग लगाने के काम आता है। और इसके बाद डालना है हमें एक ये छोटा सा गियर है, इसको बोलते हैं किक गियर। और ये लग गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अभी पूरा अच्छे से बिठा देता हूँ, थोड़ा हाथ की सफाई कर लेते हैं। तो जब आप इतना फिट कर देंगे, इसके बाद गियर बॉक्स को फिट करने के लिए सिंपल है, इस तरह से फिट कर लें, और जो यहाँ पर डॉग होता है इसको फंसा दें। इस तरीके से पूरा अंदर को फिट कर लें। मैं एक बार फिट कर देता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है गियर बॉक्स के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है गियर निकलने की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिट कर लेते हैं लास्ट, और देख लेते हैं। अभी काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, और देखते हैं एक बार स्टार्ट होकर गियर पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं हाथ से। तो देखा कि कितनी आसानी से गियर बॉक्स फिट हो गया। अगर आपको फिर भी कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करके जो भी ये परेशानी समझा सकता हूँ। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।